हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेणुका होम किचन में। आज की हमारी रेसिपी है साउथ इंडियन इडली। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। इसे हमने साफ़ करके पानी में भिगो दिया था 6 से 7 घंटे के लिए। अब इसका पानी निकाल कर हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसमें खमीर उठ गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे। यहाँ पर हमने एक कुकर लिया है और उसमें एक स्टैंड रखकर पानी डाल दिया है और इसे ढककर बॉयल होने देंगे। अब हमने इडली का सांचा लिया है और इसमें हम ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा बैटर एक बर्तन में लेंगे और उसमें थोड़ा नमक डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा बैटर इन इडली मोड में डालेंगे। हमने इसमें इनो या सोडा कुछ भी नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें इनो का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम इडली के सारे मोड को फिल कर लेंगे और इसके बाद इसे स्टैंड में रखकर लॉक कर देंगे। अब जो हमने पानी बॉईल किया था उसके अंदर ये स्टैंड रखेंगे और फिर से इस पर प्लेट लगाकर 10 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। 10 मिनट में इडली हमारी रेडी हो गई है। अब इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे चाकू की मदद से निकाल देंगे। ये इडली आसानी से निकल जाती है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनकर तैयार है। इसे हमने नारियल की और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चटनी को हमने जीरा और राई से तड़का लगाया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।